फाइनली गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि साइड में है झरना। आपको झरने के बाद थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी, मैं क्लियर दिख रहा हूँ। गाइस जैसा आपने सेकंड वीडियो में देखा था, हमने सिंधु बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हमने थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया था, टी टाइम भी अपना हो गया था। लेकिन अब फटाफट हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं क्योंकि कसोल बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। तो देखे गाइस, जैसे कि देख पा रहे हैं रात हो चुकी है और हम गूगल की मदद से अंबाला की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा धुंध है कि समझ में नहीं आ रहा और ये रास्ता गूगल देता है। रात के समय पे गूगल पे भरोसा मत करें, हालांकि वो शॉर्टकट रास्ता जरूर बताता है लेकिन थोड़ा बहुत डेंजर भी रहता है, बिल्कुल 1% नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी इस समय पे, लोग डरे हुए थे कि बस दो टांगे ना दिख जाए। फियर मतलब ऐसा फियर था उस समय, मैंने तो ड्राइवर की वाट लगा दी थी। मैंने कहा भाई सामने देख, दो टांगे देख रहे, कह रहा भाई अगर तो ऐसे बोलता रहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं कार चलाऊंगा। तो फाइनली हमने एक शॉर्टकट रास्ता मार के हम मेन रोड पे आए, अब जाके हमें संतुष्टि मिली है। रात के समय पे गूगल थोड़ा रिस्की रहता है, इससे बढ़िया आप हाईवे से जाओगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा। फाइनली गाइस लेवल हो चुका है ठंड का ऑलमोस्ट 75। अभी आपको पता है कहाँ से निकले बच के हम, इतना ज्यादा कोहरा था सब जगह। जब वीडियो देखी ना, कोहरा आसमान में, थोड़ा और नीचे, तो ऐसे ही हालत हो गई थी अपनी भी थोड़ी देर बाद। गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं बैक की सेटिंग हो रही है, अंधेरा इतना हो गया। फाइनली गाइज हम अंबाला पहुंच गए और हमने यहां से अपने फ्रेंड को पिकअप कर लिया है। तुम्हारे दोस्त से खत्म नहीं हो पा रहे, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, परेशान कर रखा है तब से। कसौल ही नहीं पहुंच पा रहे हम, कितनी स्लो स्टोरी चल रही है ये। अरे रुक जाओ भाई, प्लीज रुक जाओ। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मेरा दिमाग खराब हो गया है पूरा, बुरा वाला कसम से। बहुत देर से परेशान कर रखा था, भागो भागो यहां से, मैं करूंगा, मैं सुनाऊंगा। देर हो गया, 11 मैंने उसे भगा दिया, ये बहुत ज़्यादा स्लो स्टोरी सुना रहा था। अब मैं सुनाऊंगा आपको अपने तरीके से स्टोरी। गाइस अभी हम अंबाला में हैं, हमें कसोल जाना है जो कि 312 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं आपको फटाफट पंजाब की एक झलक दिखाऊंगा एंड देन आपको हिमाचल प्रदेश की झलक दिखाऊंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और देखे सीन्स। फाइनली गाइस हम बंगला से उतर पहुंच चुके हैं पंजाब से होते हुए। ट्रक लोड होके जा रहा है, ये देखो ये सारा वहीं जाएगा। तो डीजे सीजे लगा रहे थे बॉय। फाइनली गाइज अब हम टनल के नीचे से जा रहे हैं और सीधा ही दुबई में निकलेंगे। ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है। बस हम इस रोड से दूसरे रोड तक पहुंचेंगे। खुल गया रे, खुल गया, ओए खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, कैमरामैन आ गया, खुल गया। तो गाइस आपने रेड बुल देखी है? नहीं देखी? चलो आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। जैसे कि टेढ़ी मेरी रोड चल रही है अगल बगल में। ओ माय गॉड, बुल ही गायब है, अपनी बुल चोरी हो गई बीच रोड से। वो देखो वो जा रही है, देखिए आप हल्की चला रही है। तो यहाँ की देखो, गार्डन में रेड बुल अलग होती है और यहाँ की रेड बुल अलग है। यहाँ की रेड बुल ये थी सामने, जैसे आपको दिख
दिखाई दे रही होगी हल्की फुल्की भी। गाइज यहाँ की बर्फ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। एनीवेज गाइज शाम के बज गए हैं 5:30 और अब हल्की हल्की रात भी होने लगी है और अभी हम कसोल से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दूर है। एनीवेज गाइज कसोल का रास्ता बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है जिसको देख के चक्कर ही आ जाएंगे बाइक और। फाइनली गाइज हम होटल पहुंच गए, अब फटाफट रूम में जाके आराम करेंगे। फाइनली गाइज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रही है क्योंकि साइड में है झरना। आपको झरने के बाद थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी, मैं क्लियर दिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, सेटअप किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेंटिंग भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा पार्ट बनाया हुआ है टेंटिंग का, तो आप टेंटिंग को समझते रहेगा ही दिखाई टेंटिंग पार्ट। अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है कितना है 5, यहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर 5 हो चुका है। और एक मिनट पूरा यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू देखो आप, देख पा रहे हो कितना अमेजिंग तरीके से हर एक चीज़ को प्रेजेंट किया गया है। अब आप इधर आएगा अगर आपको कुछ भी खाना पीना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस चीज़ का नाम है होटल कोजी बैग, इस पूरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे आपके बताया मेरे 4 होटल्स है। फॉलो दोस्त ने कर दिया है कांड, अब रूम नहीं मिल रहा है, सब फुल है। उसने एक महीने की बाद की बुकिंग कर ली है, अब होटल ढूंढो रात में। आपको मैं बताना भूल गया, कसोल में 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है, अब देखो क्या होगा। बर्गर एकदम ऑसम है दोस्तों, मजा आ गया एक बारी में। यहाँ से बोल रहे बर्गर एकदम ऑसम है दोस्तों, एक बाइट लेते ही मजा आ गया।